उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के पिपरौंदा में विद्यालय के चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। दरअसल विद्यालय परिसर के अंदर जगह जगह दलदल है, जिससे किसी भी वक्त बड़ी अनहोनी हो सकती है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर सचिव और प्रधान ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जिसे लेकर रसोइयों का कहना है कि खाना बनाते वक्त एक डर सा लगा रहता है। वहीं बच्चियों का माफ कीजिएगा, वहीं छात्रों ने बताया कि उन्हें स्कूल आने में डर लगता है, क्योंकि गंदगी और मकड़ा जाल के कारण कभी भी जहरीले कीड़े निकल आते हैं। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट। विद्यालय आने में हमें डर लगता है, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पर पानी का भरा हुआ है, हमें खेलने में दिक्कत पड़ती है, पढ़ने में दिक्कत पड़ती है, और सर यहाँ पर सांप बिच्छू भी निकलते हैं, पानी भरा रहता है और डर लगता है, यहाँ पर सांप बिच्छू वगैरह कांटे ऐसे रहते हैं और यहाँ आने में दिक्कत होती है। और इस विद्यालय में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य समस्या ये है कि इस समय जो है बरसात के सीजन में बहुत ज्यादा जल भराव है विद्यालय के बाहर और बाउंड्री वाल के बाहर भी और अंदर, सब जगह तो पानी एक जैसा एक लेवल में मिला हुआ है, और विद्यालय में आधी बाउंड्री भी नहीं है, एक साइड से उत्तर साइड से बाउंड्री नहीं है, जिस कारण यहाँ जानवर घूमते रहते हैं, बच्चों को जान माल का खतरा है।